हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एस की। आज हम बात करेंगे रेस्क्यू रिसोर्सेज। जब भी कोई इमरजेंसी साइट पर होती है तो वहाँ पे रेस्क्यू रिसोर्सेज क्या लगेगा, तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेस्क्यू रिसोर्सेज में कौन कौन सा इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब कोई इमरजेंसी साइट पर हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राईपोड विथ पिंच अरेंजमेंट। तो इसके अरेंजमेंट इसकी जरूरत तब होती है जब कन्फाइंड स्पेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे ट्राईपॉड और पिंच अरेंजमेंट लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं MEWP मीन्स मोबाइल एलिवेटेड बर्थ प्लेटफॉर्म होस्ट सस्पेंडेड बर्थ प्लेटफॉर्म। जब ये हाइट पे कोई लटक जाते हैं या सस्पेंड हो जाता है तो उस केस में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेन एंडमन बास्केट। ये भी हाइट वर्क में कोई सस्पेंड लटकता है तो उस केस में होता है। लैडर एंड रोप, लैडर का भी अरेंजमेंट हाइट वर्क के लिए किया जाता है। और इसका अरेंजमेंट है जो स्कैफोल्ड, सपोज कोई पीट में भी काम कर रहा है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हॉल रोप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे है जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है। आर्क फ्लैश सूट, सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे होनी चाहिए। फायर ब्लैंकेट एंड फायर सूट एंड फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए। चलिए अभी और कुछ और इक्विपमेंट और है, जैसे कि फेस शील्ड है, गम बूट है, हैंड ग्लव्स हैं, एसेंडर और डिसेंडर, जिससे कि अगर कोई लटक जाता है तो उसको वहाँ जाने के लिए फिर उसको लेके आने के लिए, तो ऐसे जो अरेंजमेंट होते हैं जिसमें कि एसेंड भी हो सकता है और डिसेंड भी कर सकते हैं उसको, मतलब अप भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है, तो इसे इक्विपमेंट को एसेंडर और डिसेंडर बोलते हैं। टॉर्च लाइट, सर्च लाइट होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा जगह है जहाँ दिख नहीं रहा है तो उस केस में वहाँ पे टॉर्च और सर्च लाइट की आवश्यकता होगी। फॉरेस्टर सिस्टम का अरेंजमेंट होना चाहिए। गैस डिटेक्टर होना चाहिए। अगर कन्फाइंड स्पेस कुछ प्रॉब्लम हुआ है, रेस्क्यू करना है, तो वहाँ पे गैस डिटेक्टर भी चाहिए ताकि उस समय पता लगा जा सके वहाँ पे एटमोस्फेरिक कंडीशन क्या है। लाइफ जैकेट होना चाहिए। फायर टेंडर होना चाहिए। एम्बुलेंस होना चाहिए। और सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपार्टस वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे कि पॉइजनस गैसेस की संभावना, वहाँ पे रेस्क्यू करना है तो रेस्क्यू करने वाले को ये ब्रीथिंग एपार्टस देना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं इसके टीम में कौन कौन रहेंगे। रेस्क्यू टीम में कौन कौन रहेंगे? फायर फाइटर, सिक्योरिटी टीम, एचएससी पर्सनल, फर्स्ट एडर, डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एडमिन का आदमी वहां पे रहेगा, क्योंकि इन सर्व की हेल्प की जरूरत होती है उस काम के लिए। तो चलिए एक छोटा सा जानकारी मैंने आपको अभी अभी दिया कि अगर किसी भी एरिया में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको रेस्क्यू करने का क्या क्या इक्विपमेंट होता है और उसके टीम मेंबर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में छोटा सी जानकारी दिया मैंने आपको। तो चलिए अभी मेरी बारी है, आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।